हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें नई वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो इतने महावीर शर्म है सर, आप पर कोई असर ही नहीं होता है, इसलिए आपको बोलना ही बेकार है। मैंने आपके रिश्तेदार को कॉल मैसेज करना छोड़ दिया है। तो दोस्तों, मेरा जो भारत पे का केस चल रहा था, रिकवरी एजेंट से जो मेरी बात हो रही थी और बहुत ज़्यादा वायरल हुई है वो वीडियो, तो उसमें आप लोगों ने उसको कॉल भी किया है। मेरे व्यूवर ने मुझे बता रही थी कि मेरे पास बहुत कॉल आ रहे हैं। तो अभी रिकवरी एजेंट ने सरेंडर कर दिया है कि पेमेंट निकल नहीं सकती सर यहाँ से, और उसने अपनी जो फॉर्मेलिटी होती है वो आगे लिख के भेज दी। तो दोस्तों, इसी तरह प्यार बनाए रखें, और हमारी जो फाइट है, जो हमारी लड़ाई है, वो कभी हम ये नहीं कहते कि हमें पैसा नहीं देना, या मैं आपको नहीं बोलता कि आप पैसा मत दो। हम जो लड़ रहे हैं, हमारी जो फाइट है, वो है इनके वर्किंग कल्चर के अगेंस्ट में। ये आरबीआई को साइड में रख के जो रिकवरी करते हैं, टॉर्चर करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, थ्रेट देते हैं, हमारी उसको लेके फाइट है। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में नहीं है, इनकी पेमेंट दे सकते हैं तो दे के निपटाएँ। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाते हैं, नहीं दे सकते, तो आपको हमारी वीडियो बहुत हेल्प करेगी इनको डील करने में। अभी इन्होंने मेरे को बहुत ब्लैकमेल किया। इसने मेरे फ़ोटो, मेरी पहले तो इसने डिटेल लिखी कि ये फलाना शॉप है और इतना लोन अमाउंट है और ये नहीं दे रहा, आपका नंबर रेफरेंस में दिया हुआ है, आप इससे बोलो पेमेंट करेगा वरना आपको करनी पड़ेगी। मैं तो अब इन चीज़ों का यूज्ड टू हो गया हूँ, और मेरे रिलेटिव्स भी यूज्ड टू हो गए हैं। उन्हें पता है कि हाँ, ये आते हैं और इसे इग्नोर करना है। हालांकि एक दो तीन लोगों का मेरे पास व्हाट्सअप भी आया कि ये क्या आ रहा है, मैंने उनको वही रिप्लाई किया, प्लीज़ इग्नोर, आई विल हैंडल दिस ऑन माई स्टाइल। तो उन्होंने क्या करा, वो पता ही है कि हाँ, खुद डील कर लेगा, इग्नोर कर दिया। उसके बाद इन्होंने मेरी फ़ोटो भेजी है, बढ़िया सी, बढ़िया सी क्या, जो उनके पास थी शायद वो लोन लेते वक्त की फ़ोटो है। तो इनसे क्या है ना, डरने का नहीं है। अगर आप इनसे डरेंगे तो ये आपको आपका जीना हराम कर देंगे। हमारी वीडियो में हम यही सिखाते हैं कि इनसे डील कैसे करनी है, इनको फाइट, इनके अगेंस्ट में फ़ाइट कैसे करनी है, जो ये नन आरबीआई गाइडलाइन, मतलब नन आरबीआई के अकॉर्डिंग काम करते हैं, बिल्कुल आरबीआई के गाइडलाइन को साइड में रख देते हैं। ये आपको मैसेज भेजेंगे अनलिमिटेड्स, आपको कॉल्स आएंगी, वेबसाइटों पर रजिस्टर करते हैं ये, कॉल्स आएंगी, उसके बाद रात में भी आती हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि कस्टमर हरेस हो, और वो दो ही रास्ते हैं इसमें, अगर वो कैसे भी पेमेंट अरेंज कर पाएगा तो पेमेंट दे देगा, वरना कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। ये उसके रिश्तेदारों को कॉल करके उसकी बेइज्जती करते हैं, कुछ लोग सहन नहीं कर पाते। एक दिल्ली का केस है, हरीश नाम का बंदा था, उसने 7,000 रुपये का लोन लिया था, नहीं भर पाया किसी वजह से, तो उसके रिश्तेदारों को कॉल चली गई, उसने सुसाइड कर लिया। आप अगर गूगल पे डालेंगे कि भारत पे का ही केस था वो भी, तो आपको डिटेल निकल जाएगी। तो दोस्तों, जैसे आप प्यार बनाए हुए हैं वैसे बनाए रखें। और मेरे अलावा हम लोग यहाँ पे मेरे व्यूवर्स की भी वीडियो डालते हैं एडिट करके, तो उनके भी नंबर को अगर कोई कस्टमर हरेस कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो जैसे आपने इसको कॉल किया है वैसे उन नंबर पे भी कॉल करें। इससे होता क्या है कि ये हमें हरेस करते हैं और हमें उल्टा इनको हरेस कर देते हैं, ये उल्टा हरेस होकर चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि दिन में हमारे पास इन्होंने 50 कॉल कर दी, और हमारे व्यूवर अगर 20,000 हैं और उनमें से 5,000 लोगों ने भी इनको कॉल कर ली, तो ये तो पागल हो जाएंगे कॉल उठाते उठाते। तो इसमें मेरी बहुत मज़ेदार बातें हुई हैं इससे, आइए सुनते हैं। हेलो हेलो, क्या हाल है मैडम? कौन बात कर रहे हैं? मैं डिफॉल्टर बोल रहा हूँ आपका। कौन से डिफॉल्टर? बहुत बड़ा वाला, पता नहीं, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम तो भारत पे के लिए है, भारत पे का पापा, और वैसे नाम है मेरा अमित कुमार गुप्ता। अच्छा, हाँ, मैंने कहा मैडम से, मैडम नहीं, मैंने कहा आप जवाब ही नहीं दे रहे हो, पूछ तो लूं कितने रिकवर हो गए नहीं हुए।
अगर आपको पेमेंट करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं वो है। वो तो खैर मेरा डिसीजन। सुन तो लो मैडम, आप फोन काट रहे हो। बोलिए। फोन क्यों काट रहे हो? सुन तो लो, मैं कोई आपसे बदतमीजी थोड़ी ना कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं? मैं कोई आपसे गलत तरीके से बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। सुन तो लो, फोन क्यों काट रहे हो? बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, कुछ पैसे आए क्या रिश्तेदारों से? ये तो आपको मुझसे बेहतर मालूम होगा ना। नहीं, मुझे तो आप बताते नहीं। एक्चुअली ये जो कांड आपने किया है ना, ये मेरे से पहले, मतलब इससे पहले भी हो चुका है, तो आप तो वो मुझे बताते ही नहीं है। पहले पहली बार में बताया। आप इतने महावेश्वरम है सर, आप पर कोई असर ही नहीं होता है, इसलिए आपको बोलना ही बेकार है। मैंने आपके रिश्तेदार को कॉल मैसेज करना छोड़ दिया है। नहीं तो मैडम करो ना, ऐसे देखना मजा नहीं आ रहा। सर आप ना गलत जगह, गलत लोगों से, गलत से पाला पड़ा है इस बार। मैं ना उस तरह की बंदी हूँ नहीं कि मैं गाली गलौज करूँ। नहीं नहीं, तो गाल सुनो मैडम, तो सुनो ना, मैं इस तरह से काम नहीं करती। सुनो, आप प्लीज सुनो मैडम, मेरी बात आपके सुनो। आपका केस नेक्स्ट मंथ किसी और के पास जाएगा, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरी बात तो सुनो। जैसे आपने सपोज ग्राहक को गाली दी, तो ग्राहक भी तो दे सकता है क्या? मैं जैसे रिकवरी एजेंट ने ग्राहक को गाली दी, तो ग्राहक भी तो दे सकता है ना गाली, उसमें क्या है? अगले महीने वो मुझे गाली देंगे, मैं उनको दे लूंगा। पता है आपकी वजह से, आपके मुंह से अमृत तो बरसता नहीं है मैडम, आपकी वजह से। पता है मेरी जो वीडियो मैंने बनाई थी ना, पहली वाली जो बात हुई थी जिसमें गाली गलौज थी, सुनो सर, आपने मेरा नाम, उसके बाद आपने मुझसे पूछा कि कॉल आपके पास आया नहीं, और जैसे मैंने आपको बोला कि कोई कॉल नहीं आया, मेरे पास धनाधन कॉल आना शुरू हो गया। 20,000 व्यूअर कॉल करवाए होंगे मेरे पास, मेरे नंबर पे मैडम। सुनो तो, उस वीडियो को 20,000 लोगों ने देखा अभी तक, और बहुत जल्दी 1,00,000 लोग देखने वाले हैं उसको। मैडम फोन मत काटो ना प्लीज। सर मैं बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ आपसे। नहीं मैडम, आप प्लीज फोन मत काटो, मुझे बात करनी है ना आपसे। जो बोलना है एक मिनट आपके पास है, बोल सकते हैं। एक मिनट है, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आपने मेरे रिश्तेदार को फोन किया, तो उन्होंने अभी तो मना कर दिया होगा ना कि भाई हम जानते ही नहीं। मैंने कॉल तो किसी को नहीं किया अभी तक, उनसे पूछ लिया ना किसी के पास कॉल आया है। नहीं, एक एक ने बता रहा था मेरे को कि मेरे पास कॉल आया था, एक जियो घनश्याम करके नंबर सेव है ना मेरे इसमें, तो वो कह रहा था मेरे पास कॉल, जियो घनश्याम करके नंबर सेव है, तो वो कह रहा था मेरे पास कॉल आई थी। मैंने तभी तक किसी को नहीं कॉल किया। आपने फिर व्हाट्सएप ही किया है सर? मैं व्हाट्सएप और मैसेज। तो मैडम एक काम करना, ये जो भी आपके पास फाइल होती है ना, मैंने आपको जो अपना बढ़िया वाला फोटो दिया है, वो वाला उसमें अटैच करके भेज देना, ठीक है? सर मैंने आपका ना डाल दिया इसमें कि आप पेमेंट नहीं करोगे। नहीं वो तो मुझे आपके ना कॉल मैसेज के लिए मुझे आपको जरूरत ही नहीं है। वो तो एक भाई साहब और थे, उन्होंने भी ये डाला हुआ है। फाइल मैंने आगे भेज दिया। अब आपकी किससे बात हो रही है, किससे नहीं हो रही, आई डोंट नो। मैडम मेरे पास बात करने आते ही नहीं है, मैं तो है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, ऐसा कस्टमर शायद ही मिलेगा और मिला होगा आपको। मैं तो चाहता हूँ आप लोग मुझसे बात करें, पता नहीं है सर, आपसे भी महा 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 ज्यादा महा बेशरम होंगे आप, तो मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे ना, वो तो होती है। आपसे भी आपसे ज्यादा महा बेशरम लोग हैं, टेंशन ना लो। वो तो दोस्तों इसे पता था कि इसकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है और वायरल भी होगी, तो ये बार बार कॉल काट के बक रही थी, फाइनली कॉल काट के बक गई। तो जितना मुझे इससे कंटेंट चाहिए था मिल चुका है, बाकी मैंने कहा छोड़ो बेचारी को, क्यों परेशान करें। तो दोस्तों वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय।